दवाओं यानी मेडिसन्स का रोज बरोज बर दाम और महंगाई बढ़ने की वजह से गरीब आवाम परेशान है कि वो किस तरह से अपने रेगुलर दवा ले सके या जो कभी कभार भी दवाइयां लेते हैं उनके लिए भी दवा लेना काफ़ी दुश्वार हो गया है क्योंकि मार्केट में अक्सर 20-30 रुपए वाली दवा भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही बिकता है जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है लेकिन आप सब लोगों के लिए और खास तौर से गरीब लोगों के लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि इस वक्त मैं कम्युनिटी हॉल के अपोजिट साइड में हूँ न्यू मेहरान मेडिकल हॉल के नाम से एक शॉप खुली है जहाँ पर आपको अप टू 80 परसेंट हर एक मेडिसिन के अंदर डिस्काउंट देखने को मिलेगा आप यूं माने कि जो दवा सौ रुपए की होगी वो आपको बीस रुपए या तीस रुपए में मिलेगी जो कि मार्केट में आपको सौ रुपए की बराबर मिलेगी अब ये सारी चीजें कैसे मुमकिन है आइए जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से ये मुमकिन हो गया मेरन साहब आप होश आवास में है ये क्या बात कर रहे हैं आप मार्केट में फिक्स प्राइस पे दवा बिकती है कैसे आप सौ रुपए वाली दवा को बीस रुपए में देंगे जो ये आइडिया है एट्टी परसेंट ऑफ का इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी अर्जुन देश जी ने की थी इसको वहां से हम अब डोडा तक लाए हैं जनरली महीने बार लोगों का जो है बहुत ज्यादा आता है तो बहुत सारे लोग एसेंशियल दवाइयां कंप्रोमाइज करते हैं लेते ही नहीं है उसको हम 20 परसेंट तक कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब दवाई बनाती है तो उस दवाई को हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं जब उस दवाई को कोई मल्टीनेशनल कंपनी जिसे हम एमएनसीज़ कहते हैं वो खरीदती है उसको ब्रांड करती है उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं जब किसी भी दवाई की ब्रांडिंग हो जाती है तो उसके बाद उसे हम ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं जो मार्केट में बहुत महंगी बिकती है अब हमने क्या किया है थ्रू रतन टाटा जी जिनका कुछ दिन पहले ध्यान हो गया मैं ये रेस्ट इन पीस तो उनके थ्रू हमने जेनरिक मेडिसन डोडा में ले आए हैं हम जो 80 परसेंट ऑफ पे है जिसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं है आपको वो सिर्फ असर देगी विदाउट एडवर्टाइजमेंट इसकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है सिर्फ असर में असर करती है दवाई मेरे फादर जो है 25 साल से एज अ केमिस्ट काम कर रहे हैं उनकी पहले ही दो आउटलेट्स खुली हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में एज मेहरान मेडिकल और न्यू मेहरान मेडिकल तो उन्होंने जो थर्ड आउटलेट खोला दैट वाज नॉट फॉर द मनी हमने ये दुकान पैसे के लिए नहीं खोली है बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से खोली है ताकि लोग जिनका जो मंथली बहुत ज्यादा होते हैं उनको हम अस्सी तक ऑफ करें और वो जितनी भी दवाइयां हैं वो ले सके और अपनी जिंदगी जरूरियात को पूरा कर सके तो क्या लगता है अब आपको जिस तरह से ये इतना बड़ा एक स्टेप आप लोगों ने लिया है तो इसके लिए आपने क्या क्या मेहनत की किस तरह से आप वहां पहुंचे देखो कॉलेजेस में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन की एक एक लाइन लाइन आती आती है आती है है एक्सटेंशन में कि किसी भी भी चेंज चेंज के साथ सोसाइटी को भी होना पड़ता जनरली जनरली जब भी हम किसी नोटपैड पे कोई दवाई देखते हैं हमें लगता है दवा है जैसे जीरो डॉल एसपी जीरो डॉल एसपी कोई दवाई नहीं है जो उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है वो दवाई है जैसे अभी इधर इतनी सारी जेनरिक मेडिसन पड़ी है टेलमा साटीन दवाई अगर आप मार्केट में जाओगे वहां आपको टेलमा ए एम मिलेगी वो हंड्रेड से प्लस पता है लेकिन यही दवाई आपको बीस या तीस रुपए में मिल रही है तो डोडा के लोगों को यही बताना चाहता हूं मैं कि अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट करोगे तो आपका ही फायदा है हमने ये दवाई दुकान जो यहाँ जेनरिक मेडिसिन की फ्रेंचाइजी खरीदी है वाया रतन टाटा जी की जो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू है वो इसी के बिहाफ पे कि लोगों का फायदा हो और लोग अपने मंथली एक्सपेंसिस को कम कर सके वो पैसे की वजह से दवाइयां उनको कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए चलिए बहुत अच्छी खबर है डोडा के सभी लोगों के लिए आप मेहरान मेडिकल एक बार जो न्यू मेहरान मेडिकल अपोजिट कम्युनिटी हॉल डोडा और गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के एसोसिएटेड हॉस्पिटल का गेट नंबर एक है उसके बिल्कुल साथ में ये दुकान आपको मिलेगी और यहां पर आपको हंड्रेड में से एटी परसेंट तक का डिस्काउंट हर एक मेडिसन में मिलेगा और हर एक किस्म की मुनासिब दामों पर लेके जाए कुमार चीफ मेडिकल अफसर डोडा आज हमने यहाँ पर ये एक नया आउटलेट जो है रतन टाटा जी की जो है उनकी एक जो सोच है उनके ऊपर जो है यहाँ पर खुला है और यहाँ ये जेनरिक मेडिसन हैं ड्रग्स जो हैं क्योंकि ड्रग्स बहुत कास्टली होते हैं और ये कह रहे हैं कि जो जेनरिक ड्रग्स जेनरिक जनरली ही जेनरिक जब हम खरीदते हैं कोई भी दवाई किसी भी कंपनी का तो वो एज़ कंपेयर टू जो है दूसरे जो ब्रांडेड है उससे कम आता है बहुत रेट में फ़र्क होता है और रतन टाटा जो है ये टाटा ट्रस्ट की तरफ से अगर उनकी तरफ से ये आ रही हैं दवाइयाँ तो इसमें हम इसकी क्वालिटी का भी जो है वो भी हमें लगता है कि इट विल बी गुड क्वालिटी और दूसरा है कि लोगों को जो है दवाई कम दाम पर मिलेगी जो सौ रुपए की दवाई अगर उसको बीस रुपए या तीस रुपए मिलेगी तो ये यह यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है